बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमने बनाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यूनिक मसूर बिरयानी। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। आप देखिए इसका एक एक दाना कितना खिला खिला है। ये हमारी वर्षों पुरानी दादी नानी की रेसिपी है, तो आप भी इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मसूर और चावल की बिरयानी बनाने के लिए यह हमने 300 ग्राम के लगभग मसूर लिए, साबुत मसूर है ये। इनको हमने 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से धो के भिगो दिया था। इसके साथ ही हमने 400 ग्राम सैला राइस लिए, इनको भी हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया। एक तपेली के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरे को हमें बराबर से तड़का लेना है। 2 प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया, ये ऐड करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे भून लेना है। प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून फुल भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसके अंदर 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। 1/2 कप के लगभग पानी ऐड करेंगे और कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून तीखी मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून फुल भर के काश्मीरी मिर्च का पाउडर। इन सबको हमें अच्छे से भून लेना है, तेल छूटने तक भूनेंगे। मसाले सब अच्छे से भून गए। 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया, ऐड करेंगे और मसालों के साथ हमें अच्छे से मिला लेना है। और हमने अखे मसूर भिगोए थे ना, वो ऐड करेंगे। 1 कप के लगभग पानी डालेंगे, चाय का कप है ये, और अच्छे से मिला लेते हैं। ढक्कन लगा के एकदम स्लो फ्लेम पे 25 से 30 मिनट के लिए मसूर गलने तक पकाएंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, मसूर को चेक करेंगे और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये गल गए हैं। ये इसी तरीके से खिले के लिए रहने चाहिए। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब चावल को बॉईल करने के लिए हमने 2 लीटर पानी को बॉईल होने के लिए रखा है। 2 से 3 टेबल स्पून फुल भर के नमक डालेंगे, कुछ बूंदे ऑयल की डालेंगे और एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। भिगे हुए चावल ऐड करेंगे, एक बार अच्छे से चला लेंगे और 90% जितना हम इसे बॉईल करेंगे, लगभग 7 से 8 मिनट। चावल को हमने 90% जितना बॉईल कर लिया, छान के और निकाल लेते हैं। तो ये हमने आधे से थोड़े से कम चावल नीचे बिछा दिए हैं। थोड़ा सा तली हुई प्याज का बिरस्ता डालेंगे और पुदीना और कोथमीर। हमने मसूर पकाए थे ना, वो आधे ऐड करेंगे। बचे हुए चावल ऊपर ऐड कर देंगे और अच्छे से फैला लेते हैं। प्याज का बिरस्ता डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना और थोड़ा सा साइड में फूड कलर डाल देते हैं। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने रेड और ग्रीन 2 तरह के फूड कलर लिए। बचे हुए मसूर इसके ऊपर डाल देंगे, फैला के डालें। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और तली हुई प्याज और ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। जैसे हम बिरयानी को दम पे रखते हैं ना, सेम वैसे यूनिक स्टाइल की मसूर बिरयानी को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये दम पे लग गई है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख छोड़ेंगे, फिर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह एकदम खिले खिले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी मसूर की बिरयानी बन के तैयार हुई। तो आप भी इस तरीके से एक न्यू और यूनिक मसूर बिरयानी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।